देवास जिले के नवागत कलेक्टर ऋषभ गुप्ता गुरुवार के दिन बागली पहुंचे, जहां पर एसडीएम कार्यालय में उनके द्वारा सभी अधिकारियों से मुलाकात कर कई विषयों पर चर्चा की गई। इसी दौरान भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों से भी मुलाकात की। वर्तमान में यूरिया खाद को लेकर काफी किल्लत ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिल रही है। उसी को लेकर कलेक्टर द्वारा एक दिवसीय दौरा किया गया और सभी सेवा सहकारी संस्थाओं के संबंध में जानकारी लेकर किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और यूरिया खाद का वितरण समय पर हो, उसी को लेकर समीक्षा की गई। इस दौरान भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों द्वारा यूरिया खाद की किल्लत को लेकर कलेक्टर को अवगत कराया गया। इस दौरान कलेक्टर गुप्ता द्वारा संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं, सभी संस्थाओं पर यूरिया खाद भिजवाया जाए और किसानों को वितरण कराया जाए। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। ऐसे में जो किसानों को जो खाद को लेकर समस्या है, सर क्या किस तरह की बातचीत हुई और क्या आदेश हुआ? आज जो बागली का दौरा किया गया है वो विशेष रूप से खाद की समस्या को लेकर ही किया गया है। खाद में बेसिकली दो इश्यूज़ हैं, पहला आवक का और दूसरा वितरण का। जहाँ तक बात है आवक की, अभी तक वहाँ पर इश्यूज़ थे, बट कल ही हमारे पास 2500 टन की आवक हुई है और अभी हमारे जल्द ही हरदा में भी और देवास में भी दो नए रैक्स लग रहे हैं। तो आने वाले समय में जो खाद की आवक का इशू है वो ख़त्म हो जाएगा। जहाँ तक बात है खाद के वितरण की, तो सभी SDMs को, तहसीलदार्स को भी यही निर्देश दिए हैं कि डबल लॉक से जल्द खाद सिंगल लॉक में ट्रांसफ़र की जाए और सिंगल लॉक में आपका रोज़ाना सुबह सुबह हमारे सिंगल लॉक से डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो। और इसके अलावा जो हमारे किसान भाई आते हैं सिंगल लॉक में खाद लेने के लिए, उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, वहाँ पीने के पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था अच्छे ढंग से मेंटेन की जाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।